या प्लीज कम इन। मिस्टर प्रतीक शर्मा राइट? जी। प्लीज सिट डाउन। आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है। शायद हम लोग यहां डिवोर्स के लिए आए हैं। मिस्टर प्रतीक शर्मा, ये डिवोर्स पेपर आपकी पत्नी ने फाइल किए हैं, आपने नहीं। इसलिए मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप भी ये डिवोर्स चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। देखिए मैडम, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, मैं ये डिवोर्स चाहता हूं। कावेरी शर्मा को अंदर भेजिए। आई एम सॉरी टू से कावेरी, आपके हस्बैंड भी आपसे तलाक चाहते हैं। हाँ, मैं अपने पूरे होश हवास में एडमिट करता हूं, कावेरी के साथ मेरी शादी हुई थी, मगर अब हम साथ साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्यों प्रतीक? तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? क्यों? क्या गलती है मेरी? कावेरी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना गिर सकते हो। मैडम, मैं अपने पूरे होश में ये कहती हूं कि मैं कावेरी प्रतीक शर्मा को डिवोर्स देती हूं। आप जानना चाहते थे ना कि मैं इस आदमी को डिवोर्स क्यों देना चाहती हूं? क्योंकि ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है वो एक नंबर का धोखेबाज, मक्कार, और मुझे आज और इसी वक्त वो चाहिए। बताइए कहाँ पेपर में साइन करना है? ठीक है, मैं तुम दोनों को एक महीने का ग्रेस पीरियड देती हूँ, इस पे तुम साइन कर दो। कहने का हक तुम खो चुकी हो रिमझिम, समझी तुम? मतलब आपने पेपर्स पर साइन कर दिए? या तो तुम बहुत भोली हो या फिर जानबूझकर भोले बनने का नाटक करती हो। मैरिज काउंसलर से मिलने से पहले तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूं। मैं डिवोर्स नहीं चाहती रिमझिम, डिवोर्स नहीं चाहती। लेकिन प्रतीक, प्रतीक ने कहा कि उसे मुझसे तलाक चाहिए। क्या? उसे मुझसे तलाक चाहिए रिमझिम, उसे मुझसे तलाक चाहिए। नहीं भाभी, प्रतीक भैया को आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए, जरूर कोई गलत फहमी है। कोई गलत फहमी नहीं है, उसने अपने पूरे होशो आवाज में ये कहा कि उसे मुझसे तलाक चाहिए, उसे मुझसे तलाक चाहिए। नहीं भाभी, 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 भैया क्या हुआ है अंदर? भैया कुछ बोलिए ना आप। भाभी क्या, भाभी भैया जवाब तो दीजिए।
भैया हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। प्रतीक भैया रुकिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्यों किया आपने ऐसा? आपने तलाक के लिए पहल की? चले रिमझिम। भैया ये हमारी बात का जवाब नहीं हुआ। हमारी सारी उम्मीदें थी कि भाभी आपको देखकर टूट जाएंगी, और आपने तलाक के लिए क्यों किया आपने ऐसा? हर क्यों का जवाब होता तो शायद इतना गलत होता ही नहीं। भैया हमें बातों में मत भटकाइए, हमें सच बताइए। सच जानकर क्या करोगे रिमझिम? क्या हासिल होगा? रिमझिम इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता मैं। घर चलते हैं। भैया घर जाकर हम बाबूजी को क्या कहेंगे कि प्रतीक भैया तलाक के कागजात पर साइन करके आ रहे हैं? बाबूजी से मैं बात करूंगा। भैया आपने भाभी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? वो भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो मैं प्यार नहीं करता उससे, नहीं करता मैं प्यार उससे। शायद प्यार करना मेरे नसीब में नहीं है रिमझिम, इसे अधिक मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। घर चलते हैं। भैया आप खाना खा लीजिए, इतनी देर तक भूखे रहना आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा इंदु, कुछ नहीं होगा। इतना कुछ झेल चुका हूं, न जाने और क्या क्या देखना बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कावेरी और प्रतीक का डिवोर्स रजिस्टर हुआ ही नहीं होगा। प्रतीक कैसा भी हो कावेरी से अलग नहीं हो सकता। जानती हो इंदु, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी होती है? जब आपका कोई अपना आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, और कावेरी और प्रतीक की जिंदगी का वो मुकाम आ गया, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, इसका अंजाम क्या होगा ये मालूम नहीं। ये दोनों कहां रह गए, आए क्यों नहीं अब तक? रिमझिम गई है साथ में, बस आते ही होंगे भैया। क्या हो बेटा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सुना नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ रिमझिम? रिमझिम क्या हुआ बेटी, बताना क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं रिमझिम? क्या हुआ बेटा? होगा क्या बाबूजी? हमारा डिवोर्स रजिस्टर हो चुका है। क्या कह रहे तू होश में तो है? मतलब कावेरी तुझसे डिवोर्स करना चाहती? नहीं बाबूजी, भाभी डिवोर्स नहीं चाहती है, हम जानते हैं ये बात। भैया बताइए एन वक्त पर आप क्यों पलट गए, बोलिए भैया। प्रतीक कौन है वो जिसके खातिर तू कावेरी को छोड़ना चाहता है? एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कावेरी तेरी पत्नी और इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी,
और अगर तूने कोई गलत कदम उठाया तो तेरा इस घर से और मुझसे रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर बस बस बेटा, तूने ये भी नहीं सोचा इसका अंजाम क्या होगा? तूने जरा भी नहीं परवाह की? क्यों किया ऐसे तूने? क्यों किया ऐसा बेटा, क्यों किया तूने ऐसे? प्रेमजी, तू तो साथ गई थी ना, फिर ये सब कैसे हो गया? बुआ जी प्लीज, हमें कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या लेने आए? इतने दिनों बाद याद आई है मेरी। कल्याणी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन प्लीज प्लीज राकेश, कुछ मत कहो, तुम यहां से चले जाओ प्लीज। नाराज हो मुझसे? ये सवाल तुम अपने आप से करो राकेश, क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? है कोई जवाब तुम्हारे पास? मैं समझता हूं कल्याणी, तुम्हारे जज्बातों को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं। फैसला कर नहीं पा रहे हो या फिर फैसला करना नहीं चाहते? क्या मतलब है तुम्हारा? राकेश, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, और तुम हो कि मुझे अपनी भी मदद नहीं करने देते। कल्याणी, आखिर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं पूना वापस जा रही हूं। देखो कल्याणी, मेरी बात तसल्ली से सुनो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं यशोदा से बात करूंगा। कब तक राकेश, कब तक इंतजार करूं मैं तुम्हारा, कब तक? मेरे साथ रहना तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें भी और कल्याणी मिल जाएगी और मुझे भी सैकड़ों राकेश। कल्याणी, ये क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, पागल होती जा रही हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं राकेश। अब मैं अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करने लगी हूं, मुझे अपना लो प्लीज, फिर चाहे मेरा बच्चा यशोदा के गोद में ही क्यों ना पले, कम से कम मेरा अधूरापन तो दूर हो जाएगा। कल्याणी, प्लीज गिव मी सम टाइम। देखो, हमारा रिश्ता ऐसा होगा कि तुम्हें उसमें शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं होगा। मैं बस एक बार, सिर्फ एक बार उस औरत को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूं। राकेश, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती राकेश, मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे, मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे, आई लव यू। मैं जानता हूं कल्याणी, आई नो दैट। कावेरी शर्मा ने इलेक्शन के लिए पति से तलाक लिया। जनता की सेवा के लिए पति तक को छोड़ दिया कावेरी शर्मा ने। क्या ये तलाक कावेरी शर्मा को वोट दिला पाएगा? गुड। ये अखबार क्या कहता? कावेरी शर्मा को पूरा विश्वास है कि वो ये इलेक्शन जीत कर रहेगी। इसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। राजेश्वरी भाई, आज हम बहुत खुश हैं, सारे शहर में कावेरी के तलाक की चर्चा हो रही है। हम सोच रहे थे क्यों ना कावेरी पर एक ऑडियो विजुअल सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, तुम क्या सोचती हो? मैम, मेरे हिसाब से ये सब कुछ प्री इलेक्शन कैंपेन के समय होना चाहिए, अगर हम अभी से ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो ये खबर बहुत जल्द पुरानी हो जाएगी। आई थिंक वी शुड वेट, इट्स अ बिट प्रीमैच्योर। शायद तुम ठीक कह रही हो। ठीक नहीं, 200% सही कह रही हूँ। राजेश्वरी, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी
मेरी फैमिली. क्यों ये सडन इंटरेस्ट मेरी फैमिली में क्यों? वैसे मुझे जानने का कोई हक तो नहीं है, पर मैंने सोचा कल को तुम्हें मदद की जरूरत पड़ जाए तो. नहीं नैना जी, आई प्रॉमिस यू कि वो मौका आपको कभी नहीं मिलेगा. राजेश्वरी तुम तो बुरा मान गई. भाई हम सोच रहे थे कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो हम भी. गलत सोच रही हैं आप क्योंकि मेरे परिवार के लिए और अपने लिए मैं काफी हूँ. ओके. मैं ये कावेरी को दिखा कर आती हूँ. हेलो जी मंत्री जी. भाई ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है. हाय कावेरी, तुम्हारे डिवोर्स को मुद्दा बनाकर जो हेडलाइंस निकली हैं उन्हें देख लो. मेरी जिंदगी का हर फैसला, हर सपना, हर संघर्ष कल मैरिज काउंसलर के ऑफिस के बाहर खत्म हो गया. एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी. I will not fight the election. ये क्या कह रही हो कावेरी तुम? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मा कि मैं क्या कह रही हूँ. प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती. प्लीज लीव मी अलोन मम्मा. ठीक है बेटा, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहती, कोई बात नहीं. मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी कावेरी. वैसे भी मेरा तुम पर क्या हक है? तुम जो करना चाहती हो बेटा वो तुम करो, तुम्हारी मम्मा तुमसे कुछ नहीं कहेगी. जाओ. नैना जी प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज. देखिए कावेरी इस वक्त एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है. वी नीड टू हेल्प हर एंड हेल्प हर डी-स्ट्रेस, दैट्स ऑल. राजेश्वरी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तुम शायद भूल रही हो तुम्हें तनख्वाह की एक मोटी रकम मिलती है जिसके लिए तुम्हारा काम सलाह देना जरूर है, लेकिन वो सलाह जो कावेरी को चुनाव जिता सके. मेरे साथ काम करते करते शायद तुम मुझे अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाई. नैना देवी जो रिश्तों और उनसे जुड़ी भावनाओं से बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो उनका सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है. राजनीति के बिसात पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है वो रिश्तों का. मेरी बेटी कावेरी वो तो मेरा हुक्म का इक्का है, एक ऐसा मोहरा जो हमें जीत दिलाकर रहेगा. और फिर मोहरा कहां अपनी मर्जी से चलता है, वो तो चलाने वाले के हाथों और उसके दिमाग का मोहताज होता है. समझी तुम? जा सकती हो.